क्या क्या हालचाल, क्या चल रहा है आपका? ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ, क्या हो बबुआ? हेड देखी है मछली का? ठीक है दादा, थैंक यू। ठीक है। हे गाइस, व्हाट्सअप, मैं हूँ आकाश और आप लोग देख रहे हैं आकाश ब्लॉग एंड पेट्स यूट्यूब चैनल। तो आई होप यू आर वेल, मी ऑल्सो। सो आज आ गए और एक नया वीडियो लेके दोस्तों। आज आ गए बगुला में। तो आप लोग नाम तो सुना ही होगा बगुला का। तो किसका पास आए वो भी पता चल गया। तो ये वीडियो का जो थंबनेल में वो देख ही तो लिया आप लोग। मैं ज़्यादा वीडियो करती हूँ फिश फार्म का ऊपर, तो अभी आप लोग देख पाएंगे फिश फार्म का ऊपर ही वीडियो और मछली का कलेक्शन, मछली का रेट अभी क्या चल रहा है वो भी आप लोग देख पाएंगे। तो ठीक है, उनार जो है फार्म का, तो उनको बुलाते हैं। तो दादा आइए आप। नमस्कार। तो बहुत बार मुलाकात हो गया दादा का साथ, बहुत ही अच्छा लग रहा है फिर से आज भी मुलाकात हो रहा है। तो आप कैसे हैं दादा, बताइए। मैं बहुत अच्छा हूँ। चलिए, शायद व्यूअर लोग भी बहुत अच्छा है, तुम तो बहुत अच्छा हो, ठीक देख रहा है। चलिए घूमते घूमते वीडियो कर लेते हैं। तो देखिए दादा का जो महल है एक बार देख लीजिए, एक बार पूरा विलेज में दादा रहते हैं। ठीक है, इधर ही फार्मिंग करते हैं। इधर देखिए पीछे बहुत ही बड़ा सेटअप किया, नया नया। अभी सेटअप पूरा नहीं हुआ, पूरा होगा दो तीन दिन के अंदर तो नहीं होगा, लगभग एक महीने के अंदर हो जाएगा पूरा। तो थोड़ा थोड़ा करके मैं सेटअप बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब शुरू किया था तो तब बहुत ही छोटा था, तो उससे थोड़ा थोड़ा करके अभी तो आ रहा हूँ। ठीक ठीक। इस लाइन में तो अभी आज व्यूअर्स लोग कौन सा मछली देख पाएंगे? आज मैं थोड़ा रुईकिंग दिखाऊंगा। रुईकिंग लगभग ख़त्म हो चुका है, थोड़ा बहुत है वो दिखाऊँगा। उसके बाद कुछ रेड कैप ओरेंडा दिखाऊँगा, कुछ रेड ओरेंडा दिखाऊँगा और कुछ गप्पी रहेगा। गप्पी रहेगा, यही रहेगा आज का कलेक्शन। तो प्राइस रेट क्या पता चल जाएगा क्या? हाँ, प्राइस रेट पता चल जाएगा। पता चल जाएगा प्राइस रेट का। अगर कोई वीडियो देख के अगर कोई मछली लेके आएगा तो उनको मिल जाएगा रिटेल में? हाँ, रिटेल में मिल जाएगा। लेकिन एक बात है, वो है कि मैं जो ओरेंडा आप लोगों को दिखा रहा हूँ वो मछली बेसिकली मैं नहीं करता, वो उठा के मैं सेल कर रहा हूँ। तो जब मछली ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जब मैं मछली उठाऊँगा तो उसका रेट अलग होगा। अभी तो रेट एक है, उसके बाद अलग हो जाएगा। तो इस लॉट के लिए जो रेट रहेगा वो रेट ही मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं दूसरे बार मछली उठाऊँगा उसका रेट भी अलग हो जाएगा। कोई कोई कहता है कि भाई तुम तो कह रहे थे कि मछली का रेट ये है, लेकिन हम जब फ़ोन कर रहे हैं या फिर आपके पास जा रहे हैं तो रेट अलग क्यों हो जाता है? तो इसीलिए अलग हो जाता है क्योंकि वो मछली मैंने नहीं किया हूँ, क्यों उठा के लाया हो, और जो मछली मैं करता हूँ उसका रेट सेम ही रहता है। ठीक है, थोड़ा उधर चलिए। चलिए। तो दादा और एक बात बोल रहा हूँ कि आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन क्या है? हमारा यहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है बोगुला। बोगुला, आप बोगुला से आपका घर कितना टाइम लग जाएगा? लगभग 5 मिनट से 7 मिनट पैदल लग जाएगा। हाँ, पैदल। अच्छा अच्छा। और अगर कोई बोगुला स्टेशन में उतर के आपको कॉल करेगा तो उनको आप? हाँ, मैं जाके ले आऊँगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज का कलेक्शन। ठीक है, तो कौन सा मछली, दादा तो बोल ही दिया अभी कौन सा मछली है। ठीक है, तो वो भी देख लेंगे, मछली का प्राइस रेट भी देख लेंगे। जो जो फ्रेंड चैनल में नया है चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नया वीडियो अपडेट करने के लिए, मैं रोज़ वीडियो देता हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए देखते हैं आज का कलेक्शन बिना स्किप से, आज का वीडियो दोस्तों पूरा देखिए। टैंक है अभी तो लगभग कितना टैंक हो जाएगा इधर? लगभग यहाँ पे 28 टैंक होगा, मतलब 30 का आसपास ही होगा। हाँ, 30 का आसपास। अच्छा, 30 का आसपास इधर टैंक हो जाएगा। इतना बड़ा बड़ा टैंक देखिए एक बार,
अभी ये टैंक का इंच क्या है, मतलब इंच नहीं है, मतलब फुट क्या है? 20 फुट लॉन्ग है और चौड़ाई में है 5 से 6 फीट। डेप लगभग 2 से 2.5 फीट या फिर आप कह सकते हो कि 2 फीट ही डीप है। मछली का पलने के लिए अच्छा डेप क्या रहना चाहिए? रहना चाहिए लगभग 2.5 फीट अगर पानी रहता है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा जो टैंक है यहाँ पे मैंने 2.5 फीट ही पानी रखा हूँ, देख ही सकते हो। और अगर मेरा टैंक ज़्यादा बड़ा होता या फिर ज़्यादा हाइट होता तो भी मैं अगर 2.5 फीट पानी रखता तो बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, मछली का कलेक्शन दिखाइए। ठीक है, देखिए इधर रेड कैप है ये टैंक में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। क्वालिटी देखिए एक बार कितना बड़ा साइज है, एक बार देखिए रेड कैप गोल है। हाँ, राउंड शेप, पूरा राउंड शेप है, एक बार देखिए। मछली का साइज छोटा बड़ा है लेकिन फुल राउंड शेप है, पूरा राउंड शेप। ये हेड और बढ़ेगा ना? बहुत बढ़ेगा, बहुत बहुत ही बढ़ेगा। अभी ये इंच क्या है मछली का? लगभग आप देख ही सकते हो टेल मिला के लगभग 3 इंच के आसपास। देखिए मछली का टेल लेके 3 इंच हो जाएगा, 3 इंच प्लस मछली। और कीमत क्या रखा है होलसेल में? होलसेल में इसका कीमत है 40 रुपया, 40 रुपीज़ करके होलसेल में अभी चल रहा है। मछली बहुत हेल्दी और एक्टिवनेस है, बहुत ही एक्टिव है मछली, एक बार देखिए। और हेड देखिए एक बार। अच्छा, मिनिमम क्वांटिटी कितना लेना पड़ेगा? मिनिमम क्वांटिटी 25 पीस लेना पड़ेगा। 25? हाँ, बहुत ही अच्छा क्वालिटी का मछली है, इधर आके मिल जाएगा, इधर रिटेल में मिल जाएगा, मतलब आना पड़ेगा इधर। सही बोला ना? हाँ सही बोला, लेकिन एक बात कहना चाहूँगा कि ये मछली लगभग 100 पीस के आसपास है तो इतना ही है, और इतना इस रेट में मिलेगा, और इसके बाद जो मछली आएगा उसका रेट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। अच्छा। वो अलग बात है, जब मैं जिस रेंज में उठाऊँगा उसके अकॉर्डिंग मैं कुछ ना कुछ रेंज दे दूँगा आपको। ठीक है, ये नेक्स्ट कलेक्शन टैंक में है, कुछ रुईकिन है, सब भीग गए ना? लगभग 4000 के आसपास मछली था लेकिन सब बिक गया है। अच्छा, 4000 मछली ये टैंक में था? नहीं, इस टैंक में नहीं, इस टैंक पे मिलजुल के था। हाँ, मिलजुल के था। यहाँ पे जो जो टैंक आप देख सकते हो सभी में कुछ कुछ करके था 4000 मछली, लेकिन सब बिक चुका है अभी यहाँ पे हुआ है। हाँ, यहाँ पे लगभग 50 से 60 पीस और है, इसके बाद रुईकिन के सेटअप, ये रुईकिन के जो मछली है वो निकल जाएगा और फिर से मैं जब ब्रीड करूँगा उसके बाद ही आएगा। तो ब्रीड तो लगभग 15 या फिर 20 दिन में कर लूँगा, लेकिन मछली मिलते मिलते लगभग आप लोगों को 2 महीना लग जाएगा। ठीक है, ठीक है। देखिए रुईकिन है, देखिए बलाई विश्वास रुईकिन में ही बहुत ही फेमस है, फेमस लोग है रुईकिन का ऊपर। इतना छोटा छोटा रुईकिन इतना कूज, देखिए एक बार। अभी ये रुईकिन का कीमत क्या चल रहा है होलसेल में? अभी होलसेल में 100 रुपया करके चल रहा है। 100 रुपया करके? 100 रुपया। और कूज देख लीजिए, बहुत अच्छा कूज है। कूज देखिए दोस्तों एक बार, मछली का एक्टिवनेस देखिए, और मछली बहुत ही हेल्दी है। अभी ये रिटेल होलसेल में 100 रुपया चल रहा है एक पीस, और प्यार लेगा तो कम हो जाएगा ना, 200 रुपया ही होगा? नहीं नहीं, बात वो नहीं है, होलसेल में चल रहा है तो ये लगभग 25 पीस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही 100 रुपया करके पीस आएगा। और अगर कोई एक पीस या फिर 2 पीस लेना चाहे तो थोड़ा बहुत दाम इधर उधर होता है, थोड़ा बहुत, लेकिन बिकता है। ये नहीं कि मैं 25 पीस से कम नहीं बिकता हूँ, वो नहीं, मैं यहाँ से मछली देता हूँ वो कोई बात नहीं है। अगर 1 पीस चाहो तो 1 पीस, 2 पीस चाहो तो 2 पीस। अभी ये टैंक में है ओरंडा, ये देखिए दोस्तों इधर ओरंडा है। ओरंडा का नाम क्या है? ये बेसिकली रेड ओरंडा है। रेड ओरंडा, हाँ। ये जो ब्लैक आप लोग देख सकते हो, ये जो ब्लैक है ये देखिए, यहाँ पे ये फुल रेड हो चुका है, इसका कलर फुल आ चुका है, इसका कलर अभी नहीं आया है, लेकिन ये वाला देखिए थोड़ा रेड है, थोड़ा ब्लैक है,
क्योंकि इसका कलर आ रहा है। अच्छा। तो लगभग 2 से 3 हफ्ते के अंदर ही इसका कलर चला आएगा। अच्छा, और कीमत क्या रखा है? कीमत इसका है 25 रुपया। 25 रुपया करके होलसेल प्राइस। हाँ, होलसेल प्राइस। दोनों हाथ से दिखाइए। ठीक है, ठीक। दोनों हाथ से तो नहीं होगा। अच्छा अच्छा, ठीक। अब एक हाथ से देख लीजिए। देखिए दोस्तों, मछली का क्वालिटी एक बार देखिए। हेड भी और बढ़ेगा, बहुत बढ़ेगा। हेड बढ़ेगा। देखिए हेड, देखिए मछली का। और ये काला वाला को देखिए, ब्लैक कलर का। इसका लगभग लग रहा है कि ट्राई कलर या फिर बाई कलर का। लेकिन मतलब वो मछली नहीं है, ये सिर्फ नॉर्मल ओरेंडा ही है। ठीक है, लेकिन इसका हेड बहुत अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा। ठीक, ठीक है। और अभी ये 25 रुपया करके मिल जाएगा होलसेल प्राइस। देखिए एक बार, बहुत ही अच्छा लग रहा है। अगर कोई एक्वेरियम में रखेगा तो बहुत ही और भी अच्छा लगेगा। टेल, इसका टेल और भी ज़्यादा बढ़ेगा, और भी ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक, टेल जितना है उससे भी ज़्यादा बढ़ेगा, कलर भी उससे भी ज़्यादा आएगा। क्या प्राइस क्या रखा है? प्राइस इसका 20 रुपया है। 20 रुपया करके क्या रिटेल ना होलसेल प्राइस? होलसेल प्राइस, होलसेल प्राइस 20 रुपया करके। ये लगभग 60 से 70 पीस है, क्योंकि मैंने लगभग 100 उठाया था तो ख़त्म हो चुका है थोड़ा बहुत। तो नहीं उठेगा, बहुत ज़्यादा उठेगा तो दिखा रहा हूँ, देख लीजिए। अच्छा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ मेल है, मेल मिल जाएगा। अगर मैं ये मछली यहाँ पे करता तो तब जाके मेल फीमेल मिलता, तो मैं तो सिर्फ ये मछली मार्केट से उठाया हूँ, इसीलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेल है। अच्छा, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अच्छा नहीं है। ये देखिए, इसको बोलते हैं रेड टेल प्लैटिनम गप्पी। हाँ, ये फीमेल में आएगा क्या? ये फीमेल थोड़ा बहुत है, उतना ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत फीमेल है। अच्छा, मिल जाएगा मतलब? हाँ, मिल जाएगा, मिल जाएगा। ठीक है, और प्राइस क्या रखा है? 40 रुपये करके। 40 रुपये करके अभी ये होलसेल प्राइस चल रहा है। फीमेल भी मिल जाएगा, थोड़ा 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 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट दिखाइए। है इधर, ये देखिए दोस्तों, नियॉन है इधर, नियॉन गप्पी बोलते हैं इसको। तो मैंने अभी तक नहीं देखा हूँ कि कितना बड़ा हो चुका है, और तो लगभग मिल जाएगा ये वाला। प्राइस, प्राइस इसका 15 रुपया करके है, होलसेल। होलसेल में 15 रुपया करके गप्पी का प्राइस का मछली है। क्या प्राइस का चल रहा है? 25 रुपया। 25 रुपया करके अभी चल रहा है। मेल फीमेल दोनों मिल जाएगा ये वाला। ये मेल फीमेल दोनों मिल जाएगा। अच्छा, क्वांटिटी कितना है इधर? यहाँ पे लगभग 50 पीस के आसपास है, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा नहीं। देखिए बलाइदा का ये ब्रीडिंग का मछली है, ये बिकने के लिए नहीं है, ब्रीडिंग का मछली है। रुईकिन है ना? हाँ, रुईकिन है, रुईकिन है। इधर से यहाँ पे रुईकिन है, यहाँ पे लीचू है, लीचू है। इधर देख लीजिए कितना ज़्यादा राउंड है, फुल राउंड शेप में है। हाँ, और कितना एक्टिव है वो भी देख लीजिए। यहाँ पे ये मेरा फेवरेट रेंचो है, देख लीजिए। ये बहुत बार सुनाई होगा बलाइदा का वीडियो में, गोलू मोलू। गोलू मोलू, गोलू मोलू है ये मेरा, गोलू मोलू है। ये भी देख लीजिए, पेट में अंडा आ चुका है, कुछ दिन के अंदर ही ये भी ब्रीडिंग में बिठाऊंगा। हाँ, इधर ब्रीडिंग का सेक्शन है। ठीक है, और उसके बाद आएगा इधर, इधर एक गोलू मोलू है। ये देखिए इधर, ये वाला बहुत क्यूट है, देख लीजिए आप लोग भी, बहुत क्यूट है। इसका मछली छोटा है लेकिन इसका हेड बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ही अच्छा है। एक बार देखिए, छोटा है, और मुँह देखिए एक बार मछली का, क्या लग रहा है एक बार देखिए। आउल है ना, आउल, आउल का तरफ लग रहा है मछली। और आँख देखिए मछली का, बहुत ही इनोसेंट लग रहा है। एक क्या बोलते हैं, शैतान है, शैतान है मछली। ठीक है, यहाँ पे अगर छोड़ दूंगा ना, ये 3 मिनट करके यहाँ वहाँ चला जाएगा। और हाथ में भी देख लीजिए, दूसरा मछली हाथ में बहुत शांत स्वभाव के रहता है, लेकिन ये मछली उतना शांत स्वभाव के नहीं है। बहुत ही अच्छा लग रहा है, एक बार देखिए। क्या क्या हलचल, क्या चल रहा है आपका? ठीक ठाक चल रहा है ना? हाँ, क्या हो बबुआ? हेड देखिए मछली का। ठीक है दादा, थैंक यू। ठीक है, देखा ही था बलाइदा का पास जो जो कलेक्शन है, आप लोग देख ही लिया, और प्राइस रेट भी मेंशन है वीडियो में।
और एक बात बोलना चाहता हूँ ये वीडियो का माध्यम से, मैं वीडियो में जो लोगों का जो सेलर लोगों का वीडियो बनाती हूँ ना, वो सेलर लोगों का जो कॉन्टैक्ट नंबर वो दिया करके ही वीडियो बनाती हूँ। तो आप लोग बोलते हैं कमेंट सेक्शन में वीडियो में नंबर कहाँ है, तो कहाँ नंबर मिलेगा, तो वीडियो में दिया करके ही नंबर है, और ना दिया करके नंबर देंगे मतलब वीडियो छोड़ेंगे तो पिटाई होगा मेरे को, ठीक है? तो ठीक है, तो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7908777897। और एक बात, सिर्फ आप वीडियो देख के चले मत जाना, भाई का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, बहुत बहुत शेयर कीजिएगा। बलाइदा का भी 10K हो गया, कंग्रेचुलेशन बलाइदा, सब लोगों को दिल से शुक्रिया मेरा 10K सब्सक्राइबर या फिर 10K फैमिली पूरा करने के लिए। 10K फैमिली, यस राइट, सबको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, कंग्रेचुलेशन फ्रॉम आकाश ब्लॉग एंड पेट्स यूट्यूब चैनल। सो आई होप यू डूइंग वेल एंड स्प्रेड योर बिजनेस ऑल ओवर इंडिया। आई थिंक योर चैनल विल बी ग्रो सून, लगभग तो अच्छा। कुछ दिन के अंदर ही लगभग 10K सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा, तो मेरे तरफ से पहले ही आपका बहुत बहुत अग्रिम शुभकामना रहेगा कि आपका चैनल 10K सब्सक्राइबर पूरा हो जाए, और कॉन्ग्रेचुलेशन आपका ज़रूर एक हफ्ते के अंदर ही 10K सब्सक्राइबर पूरा हो जाए। और आप लोगों को भी मैं बोल रहा हूँ कि भाई का चैनल एक हफ्ते के अंदर ही अगर सब्सक्राइबर पूरा हो जाता है तो मैं यहाँ पे मेरे फार्म पे कुछ ना कुछ ऑफर रख लूँगा आप लोगों के लिए। एक हफ्ते के अंदर अगर आप भाई का चैनल 10,000 के पूरा करते हो तो अच्छा, ठीक है अच्छा। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा अच्छा। तो बहुत ही दिल से बहुत ही शुक्रिया बलाइदा को, तो मेरे लिए कुछ सोचते हैं इसलिए बोल रहा हूँ, दिल से शुक्रिया, दिल से बहुत ही प्यार है दादा के लिए। तो सिर्फ ये नहीं है, भाई ने भी मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो इसीलिए सोचा था कि 10K मतलब बहुत कुछ, एक यूट्यूबर के लिए 10K मतलब बहुत कुछ है, 10K फैमिली बहुत कुछ है। तो भाई का जब 10K पूरा हो जाएगा तो वो सिर्फ उसका खुशी नहीं, मेरा भी बहुत बहुत ज़्यादा खुश है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑफर मैं ज़रूर रखूँगा सिर्फ उस वीडियो के लिए या फिर उस टाइम जो मसले रहेगा। तो मैं चाहता हूँ एक हफ्ते के अंदर भाई का ये सपना ज़रूर आप लोग पूरा कीजिए। और जो वीडियो जो देखते हैं उन लोगों को दिल से बोल रहा हूँ, बहुत ही क्या बोलूँ, थैंक यू नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, थैंक यू से कम नहीं, कम नहीं होगा। लव यू ऑल, आप लोग बहुत ही सपोर्ट करके मतलब ये वीडियो देखते हैं रोज़ और सपोर्ट करते हैं मेरे को, ठीक है, इसलिए मैं वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिवेटेड मिलते हैं, इसलिए मैं इधर उधर जाके वीडियो बनाते हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ बुलाया, एक बार फ़ोन को पकड़िए। इसलिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया और प्रणाम सबको, ठीक है, आप लोगों का वजह से ही ये चैनल बढ़ रहा है और आप लोगों का ही चैनल है, आप लोग देख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन मिल रहा है इस चैनल से, मतलब बहुत ही इन्फॉर्मेशन मिलते हैं, इसलिए तो बोल रहे हैं आकाश भाई और भी वीडियो दीजिए इस चैनल से। अगर आप लोग नहीं होते तो ये चैनल तो क्या है, चैनल भी नहीं ग्रो करता, और हम तो जहाँ थे वही रहते हैं। का भी चैनल है वो तो पता चल जाएगा ही, मतलब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चैनल का लिंक, बलाइस वर्ल्ड यूट्यूब चैनल, तो उधर ब्रीडिंग पर्पस ही वीडियो आते हैं, ठीक है, ब्रीडिंग पर्पस या फिर मछली का ग्रोथ कैसे होता है, थोड़ा बहुत डिजीज़ के ट्रीटमेंट कैसे करता हूँ मैं, उसके अकॉर्डिंग मैं वीडियो छोड़ता हूँ। इधर एक वीडियो एंड कर देती हूँ, तो आप लोग स्वस्थ रहिए।